हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समीत एंड यू आर वाचिंग एकेडी अपडेट्स। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नया यूआई मेरा फ़ोन एंड्रॉयड 9.0 में चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एंड्रॉयड 9.0 में है। ये देखिए, मेरा एंड्रॉयड वर्जन 9 है। सिक्योरिटी पैच 5 दिसंबर का है। सो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे ये एंड्रॉयड 9.0 मिल सकता है आपके डिवाइस में। अगर आप बीटा यूज़र नहीं भी है तो आपको ये मिल सकता है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे नए फीचर्स एडेड है, जैसे कि ये वेल बींग, आपने फ़ोन कितनी बार अनलॉक किया है, कितना नोटिफिकेशन आया है, आपने कितना देर कौन सा ऐप को यूज़ किया है, वो सब आपको दिखाएगा। और इसमें आप आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ से आपको वो जो नोटिफिकेशंस कौन कौन सा का नोटिफिकेशन है वो दिखा देता है। फिर ये तो विंड डाउन टाइम है, वो छोड़िए। और आपका यहाँ पर है डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस, यहाँ से आप कर सकते हो। और ये यहाँ पर आप टाइमर सेट कर सकते हो कि आपको कितना देर कौन सा ऐप यूज़ करना है। सपोज आपको व्हाट्सएप 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए यूज़ करना है बस, या फिर 30 मिनट्स के लिए, तो आप इसमें सेट कर सकते हो। क्योंकि मैं व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं सेट नहीं करने वाला। और आपका आप देख सकते हो एंटायर डिज़ाइन चेंज्ड है इसमें। बैटरी मैनेजमेंट में अच्छा है ये, बैटरी परसेंटेज देता है। एडाप्टिव बैटरी ड्रेनेज, ये दिखाता है कौन सा ऐप कितना कंज्यूम कर रहा है। वो बैकग्राउंड का प्रोसेसर को लिमिट कर देता है। और मेरा फ़ोन मैं थोड़ा हैवी यूज़र हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हो ऐप्स आर रनिंग नॉर्मली। कोई ऐसा ऐप है नहीं जो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर शो बैटरी परसेंटेज ऑफ ऑन का ऑप्शन दिया गया है। और प्रीवियसली जैसे आप पावर सेवर मोड को ऑन करते थे, तब आपका जो बार था वो बस वो कम्प्लीटली आपका रेडिश हो जाता था। पर ये बस अभी बैटरी में थोड़ा सा चेंजेस देख सकते हैं, नथिंग एल्स। देखिए आप, थोड़ा सा बस बैटरी में चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा, और बाकी आपको कहीं भी कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। और कुछ चीज़ें इसमें नई ऐड की गई है, कुछ चीज़ें अच्छी की गई है। जैसे कि ये जो ब्राइटनेस बार है, ये पहले की तरह नहीं रहा अब। पहले क्या होता था, कॉन्स्टेंटली हो जाता था, कॉन्स्टेंट फिक्स हो जाता था, उस पर ही अपडेट होता था। पर ये अभी खुद ये मूव करता है अकॉर्डिंग टू ब्राइटनेस। और उसके बाद आपका स्टोरेज भी थोड़ा एलोकेटेड हो जाएगा पहले से ज़्यादा। थोड़ा जो साइज़ है वो थोड़ा कम है इसका। और आपको नया जेस्चर्स देखने को मिल जाएगा। आपको जंप टू कैमरा, जो डबल क्लिक करते ही आपको पावर बटन कैमरा खुल जाता है। मैंने उसको ऑफ करके रखा है क्योंकि बीच बीच में कैमरा खुल जाता है मेरा, तो मुझे वो पसंद नहीं आता। ये स्वाइप और अप ऑन होम स्क्रीन, ये पर यह करते ही आपका ये जो फिजिकल बटन्स है ये आपका बंद हो जाता है। मेरा आदत है फिजिकल बटन्स में, तो मैंने इसीलिए इसको बंद करके रखा हुआ है। पर वो काम करता है, अच्छे से काम करता है। और आपको स्वाइप डाउन टू नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं रहा, वो जो फिंगरप्रिंट से स्वाइप डाउन किया जाता है, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप उसको कैसे एनेबल कर सकते हो। और कुछ नया ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो भी एक अच्छा वीडियो बनेगा। फिर आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख सकते हो, आपको वही एम्बिएंट नोटिफिकेशन है आपका पहले की तरह ही, और बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है। एक्चुअली सब कुछ सेम ही है इसमें। और ये एक डिवाइस थीम आपको नया देखने का मिल जाता था, पर 8.0 में भी मैंने डिवाइस थीम को एक्टिवेट किया था। जब आप कोई थीम डाल के उसको इंस्टॉल करते हो, तो ये वाला ऑप्शन जो डिवाइस थीम का है, ये एनेबल हो जाता था, और थीम के हिसाब से वो चेंज भी होता था पहले भी। तो आप देख सकते हो ये नया यूआई है, नया नोटिफिकेशन बार है, वो थोड़ा अच्छा दिखता है देखने में। आपको नया ऑप्शन मिल जाता है ये ब्लैक एंड वाइट कर देने का, रात के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है जो लेट नाइट तक फ़ोन यूज़ करते हैं। क्योंकि एक रिसर्च में कहा गया है कि अगर ज़्यादा देर तक हम अगर फ़ोन को यूज़ करते रहें, तो हमारा जो दिमाग में जो क्लॉक है, जो ब्रेन क्लॉक है, उसका प्रॉब्लम होने लग जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि दिन है कि रात है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उस वजह से इंसोम्निया हो जाता है, जो रात को जिन लोगों को नींद नहीं आता है, उस बीमारी को इंसोम्निया बोला जाता है। तो उन कुछ लोगों को इसके वजह से इंसोम्निया होने लगा है,
और इसीलिए मैं भी आजकल फ़ोन को बहुत दूर दूर ही रखता हूँ आजकल रात को सोते वक्त। और आप देख सकते हो कि लाइक ये जो बार है ये नीचे आ चुका है और ऊपर का भी डिज़ाइन काफ़ी मस्त दिख रहा है अभी। सो आता है पॉइंट पे कि आपको कब कैसे इसको पा सकते हो। तो सबसे पहले ऐप्स में जाइए, सी ऑल कर दीजिए, फिर यहाँ पर जाके शो सिस्टम में दबाइए। शो सिस्टम में दबाने के बाद आपको कुछ ऐप्स का आपको डेटा क्लियर करना है। सबसे पहले जो ऐप है वो है फ्यूज लोकेशन का, मैं आपको दिखाता हूँ, हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं करता जाऊँगा। आपको फ्यूज लोकेशन में जाना है, सी डी ई एफ 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 फ्यूज लोकेशन, ये फ्यूज लोकेशन में जाइए। आप स्टोरेज में जाइए, फिर यहाँ से आप क्लियर स्टोरेज कर दीजिए, फिर आप नेक्स्ट जाइए गूगल फ्रेमवेयर में, या फिर आप गूगल बैकअप ट्रांसपोर्ट को भी कर सकते हैं, नेक्स्ट कोई भी करो। ये स्टोरेज में जाइए, इसका भी डेटा क्लियर कर दीजिए, उसके बाद आप गूगल का भी डेटा क्लियर कर दीजिए, यहाँ से जाके स्टोरेज से जाके डेटा क्लियर कर दिए, कैश क्लियर कर दीजिए। उसके बाद आप गूगल प्ले सर्विसेज का कर दीजिए, उसके बाद गूगल प्ले स्टोर का कर दीजिए, गूगल फ्रेमवर्क सर्विसेज का कर दीजिए, और हाँ बस इतना ही आपको करना है। बस अगर आपने इतना कर दिया तो ये करने के बाद अब अपना फ़ोन का सिम कार्ड निकाल दीजिए और खाली सिम ट्रे को इंसर्ट कीजिए, सिम कार्ड मत पूरा का पूरा सिम कार्ड निकाल दीजिए आप, और आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड होना पड़ेगा। नो डेटा, डेटा आपका कोई भी काम नहीं करना चाहिए, आपका कोई फ़ोन में कोई भी सिम कार्ड नहीं होना चाहिए। आप लोकेशन सर्विस, ब्लूटूथ सर्विस, डेटा सर्विस कम्प्लीटली ऑफ कर दीजिए इन सब सर्विसेज को। और उसके बाद ये कोई भी आप वीपीएन यूज़ कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो टच वीपीएन। तो आप जैसे ये खोलते हो तो आपको यहाँ से नेदरलैंड सेलेक्ट करना है, नेदरलैंड्स सेलेक्ट करके आप कनेक्ट कर दीजिए नेदरलैंड से। अब जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आपका लाइक जो ही है आपका नेदरलैंड से ये कनेक्ट हो जाता है ऐसे। तो लाइक एक बार आपका नेदरलैंड से कनेक्ट हो गया, तो कनेक्ट होने के बाद आप जैसे कि नॉर्मली आप फ़ोन को लाइक अपडेट्स के लिए चेक करते हैं, वैसे आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पर जाके चेक फॉर अपडेट्स में जाइए, यहाँ से आप चेक कर लीजिए, आपको डेफिनेटली आपको नया अपडेट ज़रूर मिलेगा, आपको मिल ही जाएगा नया अपडेट एंड्रॉयड 9.0। पर हाँ इसमें कुछ बग है थोड़े बहुत, पर वो लाइक वो कोई मेजर बग नहीं है, लाइक चलता है अच्छे से ही चलता है, लाइक इट्स नॉट ए बिग डील, बहुत मस्त से चलता है ये। और लाइक जैसे आप देख सकते हैं इसके कुछ नया फीचर्स यहाँ पर आप एडिट हैं इसमें, तो लाइक काफ़ी हद तक अच्छा है, पर इसका कैमरे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कैमरे में इम्प्रूवमेंट, और लाइक कुछ भी नहीं है। ये एक आपका शायद कितना एमबी का होगा ये, हाँ 1074.9 MB का ये टोटल अपडेट है, ऑलमोस्ट ये 1 GB का अपडेट है, 1024 एक्चुअली 1 GB से भी ज़्यादा का अपडेट है ये थोड़ा सा। तो लाइक अपडेट है, मैंने इसको कल मैंने इसको अपडेट किया है। और आप जैसे ही आप इसको लाइक ये करते हो, कंप्लीट प्रोसेस पे जाते हो, आप रिस्टार्ट करते हो फ़ोन को, नेदरलैंड्स में सेट करते हो, आप ऊपर देख सकते हो ये जो टाइम है आपका, ये टाइम चेंज हो जाएगा। कल मैंने दोपहर को किया, पर ये नेदरलैंड के लिए 7:35 AM था, पर मैंने इसको किया था दोपहर के 1 बजे को, तो ये आपका ये टाइम चेंज हो जाएगा वहाँ पर इमिडिएटली। पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप फ़ोन को रिबूट करके कंप्लीट प्रोसेस ख़त्म करके, आप जैसे ही आप फ़ोन को सिम फ़ोन में सिम कार्ड इंसर्ट करके लोकेशन ऑन कर देंगे, आप जैसे नॉर्मली डेटा हो या वाईफाई हो जैसे ऑन हो जाएगा, ये कम्प्लीटली आपका इंडिया इंडिया के टाइम के हिसाब से आपका हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर लाइक मेरा ये बैकअप करने के लिए बता रहा है, मैं नहीं करूँगा अभी बैकअप क्योंकि मुझे अपडेट करना है एडिट करके। तो इतना ही था बस दोस्तों आज के लिए, मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। हाँ, और इसमें और एक चीज़ ऐड की गई है जो मैं भूल गया बोलना, वो है FM रेडियो, FM रेडियो, FM रेडियो, ये रहा FM रेडियो। तो लाइक मैं इसको पावर ऑफ कर ही देता हूँ, लाइक ज़्यादा कुछ मुझे ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं नया नया हूँ, यूट्यूबर हूँ,
तो लाइक मेरे पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो अगर आप लोगों का प्यार मिले तो हाँ उम्मीद करता हूँ कि लाइक बहुत आगे जाऊँगा आपके लिए, नया नया अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं है तो ना ही मैं लाइक नए डिवाइसेस का अनबॉक्सिंग कर पा रहा हूँ, ना ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ, पर हाँ मैं धीरे धीरे करूँगा, सब कुछ करूँगा। मैं जानता हूँ मैंने आप लोगों को बहुत डिसअपॉइंट किया है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।